बच्चों, आपकी मैम मिसेज प्रभा मैम। तो आज आपका टर्न है सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश एंड जी। तो बच्चों, हमने जीके में पहले क्या 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 था, हमने उसमें करे थे बच्चों रूट्स नेम, ठीक है। और आज हम करेंगे बच्चों फ्लावर, यानी कि फूलों के, ठीक है। और हिंदी में आज हम पहले हमने क्या क्या था, पीछे वाले वर्ण लिखे थे, और आज हम बीच का वर्ण देखकर उनके साइडों के वर्ण लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्या है हमारा रिक्त क्वेश्चन। रिक्त स्थान में उचित वर्ण भरिए, ठीक है। जैसे ये आपके रिक्त स्थान है, यानी कि खाली जगह छुटी हुई है, तो इनमें क्या करेंगे हम बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बीच का वर्ण अच्छे से देखेंगे, ठीक है। फिर ये क्या है बच्चों हमारा, ये हमारा है ए, यानी कि ऐसे एड़ी, ठीक है। तो इससे पहले वाला वर्ण बच्चों क्या लिखेंगे हम, क्या आता है इससे पहले, तो से ऋषि, रस ऋषि, ऐसे एड़ी, और बाद में ऐसे नक, देखिए ये है हमारा, मेरे इस वर्ण को देखेंगे अच्छे से, ये है हमारा आ से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आ से पहले का अक्षर लिखना है, वो क्या लिखेंगे हम, क्या आएगा, ऐसे आर, आसियाम, क्या आएगा बाद में, ई से इमली। देखिए ये क्या है हमारा, ये है हमारा ख, यानी कि ख खरगोश। तो ख खरगोश से बच्चों पहले क्या आता है, ख खरगोश से पहले आता क, यानी कि क से कबूतर, ठीक है। का ख, तो क्या आएगा बाद में, ग से, ये है हमारा छा, छा से छा, से पहले क्या लिखेंगे हम, चा, से चम्मच, जैसे चम्मच, छ से छाता, जैसे जहाज, ये है हमारा ऋण, यानी कि अड़े खाली। अब ये अड़े खाली बच्चों हमको ध्यान से पहचाननी है कि ये कौन सी वाली अड़े खाली है, जो क वाली लाइन में आती है, या चा वाली लाइन में आती है, या फिर ठ वाली लाइन में आती है। तो बच्चों ये अड़े खाली है हमारी जो क वाली लाइन में आती है, यानी कि क से कबूतर वाली लाइन में, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या लिखते हैं, इससे पहले हम लिखेंगे घर, ठीक है, घर अने खाली, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे बच्चों, जैसे चम्मच। अब देखेंगे हम, ये है हमारा ठ, ये है हमारा, और हमें लिखना है इससे पहले आना आले आने वाला वर्ण, तो वो क्या आएगा हमारा, ट, ट से टमाटर, ठ से रू, ये था। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, थे से पहले क्या आता है, त, यानी कि त से तरबूज। अब इसके बाद द, द से द, प, प से पहले क्या आता है बच्चों, न, यानी कि न से नल। इसके बाद फ, फ से, यह है हमारा भ, भ से भगत, ठीक है, या भ से भालू। और तो इससे पहले हम क्या लिखेंगे, इससे पहले क्या लिखेंगे हम बच्चों, ब, यानी कि भ से बकरी, भय बकरी, भय भालू, मैं मछली, ठीक है। यह है हमारा बच्चों र, क्या है बच्चों हमारा, ये र है ना, तो इससे पहले हम क्या लिखेंगे, र से पहले क्या आता है, य, यज्ञ। इसके बाद ल, यानी ल से लट्टू। ल से पहले हम क्या लिखते हैं बच्चों, ल सपेरा से पहले लिखते हैं हम, देखिए क्या आएगा, जल्दी जल्दी बोलिए। और इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले आएगा हमारा स से षटकोण, और इसके बाद ह से, ठीक है। तो बच्चों ये हमें क्या है, ये क्या करा है हमने, ये हमने किया है आज हिंदी में वर्क, ठीक है। और इसे आप अपनी हिंदी की नोटबुक में एकदम सफाई से करेंगे, ठीक है, और इन्हें अच्छे से करना सीखेंगे कि इस वर्ण के बाद या पहले, पहले या बाद में क्या आएगा।
बच्चों, तो आई होप कि आपको ये हिंदी का वर्क अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे बहुत अच्छे से अपनी हिंदी की नोटबुक में सफाई से करेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब है हमारा जीके, ठीक है। जीके में आज हम क्या करेंगे? जीके में बच्चों आज हम करते हैं राइट फ्लावर्स नेम, यानी कि फूलों के नाम, ठीक है। क्या करेंगे? राइट फ्लावर नेम। आज हम फूलों के नाम लिखेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम ये पहचान लेते हैं कि ये कौन कौन से फ्लावर हैं। नंबर वन पर कौन सा फ्लावर है बच्चों हमारा? नंबर वन पर है बच्चों हमारा लोटस, यानी कि कमल का फूल, ठीक है। अब हमारा सेकंड नंबर पर क्या है बच्चों? सेकंड नंबर पर है हमारा, बताइए जल्दी आप बता दीजिए, वेरी गुड, रोज फ्लावर। अब देखिए थर्ड नंबर पर हमारा क्या है? थर्ड नंबर पर है हमारा, थर्ड नंबर पर क्या है बच्चों हमारा? सन फ्लावर, ठीक। और फोर नंबर पर है बच्चों हमारा मैरी गोल्ड, क्या है? मैरी, ठीक। और फाइव पर है हमारा हिबिस्कस, यानी कि गुड़हल का फूल। तो बच्चों इनमें हम क्या करेंगे? हमें इनमें इनके नेम फिल करने हैं, यानी कि इन फ्लावर के नेम हमको लिखने हैं और अच्छे से याद भी करने हैं। ओके, फर्स्ट नंबर पर क्या था बच्चों हमारा? फर्स्ट नंबर पर था हमारा क्या है? ये लोटस का फ्लावर है ना, तो हमें इसमें क्या लिखेंगे? लोटस, LOTUS, लोटस, ठीक है। लोटस लिख दिया है हमने, इसी तरीके से लिखेंगे इसे ताकि आपको इसकी स्पेलिंग अच्छे से लर्न हो जाए, बोल बोल के करेंगे। अब सेकंड नंबर पर हमारा ये फ्लावर, पहले इसको देखेंगे, पिक्चर को देखेंगे ठीक से कि ये कौन सा फ्लावर है, फिर इसका आपको नेम लिखना है, ठीक है। तो ये क्या है, कौन सा फ्लावर है बच्चों? ये है हमारा रोज का फ्लावर, यानी कि गुलाब का फूल, ठीक है। तो हम क्या कैसे लिखेंगे इसमें? आर ओ एस ई, रोज। बच्चों देखिए अब हमारा थ्री नंबर पर कौन सा है? सनफ्लावर है ना, तो अब हम इसमें लिखेंगे सन, SUNFLOWER, सनफ्लावर, ठीक है। देखिए हमारा फोर नंबर पर कौन सा है? फोर नंबर पर है हमारा मैरी गोल्ड, यानी कि गेंदा का फूल। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे? MARIGOLD, गोल्ड। अब फाइव नंबर पर है हमारा बच्चों हिबिस्कस, यानी कि गुड़हल का फूल। HIBISCUS, हिबिस्कस। बच्चों देखिए ने हम स्पेलिंग सहित अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है। देखिए एक बार और मैं आपको स्पेलिंग इसके अच्छे से लर्न करा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। LOTUS, लोटस। लोटस मीन्स कमल का फूल, ठीक है। ROSE, रोज। रोज मीन्स गुलाब का फूल, ठीक है। थ्री नंबर SUNFLOWER, सनफ्लावर, यानी कि सूरजमुखी का फूल। M, देखिए फोर नंबर पर क्या है हमारा? MARIGOLD,
मैरी गोल्ड, मैरी गोल्ड मीन्स गेंदा का फूल। देखिए हमारा 5 नंबर पर HIBISCUS, हिबिस्कस। हिबिस्कस मीन्स बच्चों गुड़हल का फूल। तो बच्चों तो यह सभी फ्लावर नेम बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, और कम से कम आप इसकी 2-3 टाइम रीडिंग करेंगे। अब आपकी बुक में जीके की में फ्लावर नेम दिए गए हैं, उनमें से आप 5 फ्लावर नेम जो मैंने आपको ये वीडियो द्वारा समझाए हैं, ये वाले आप फ्लावर नेम बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, एंड इन्हें अपनी जीके की नोटबुक में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये वर्क हिंदी एंड जीके का अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इन्हें बहुत सफाई से अपनी हिंदी का वर्क हिंदी की नोटबुक में और जीके का वर्क जीके की नोटबुक में बहुत अच्छे से करेंगे और इनको याद भी करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।